भाई बहुत बड़ा भांड हो गया ये, बहुत महंगे छप गए पैनाफ्लेक्स। परेशान हो गया हूँ, इतना बड़ा बिल मैंने कभी नहीं देखा। कारपेंटर और पैनाफ्लेक्स वाले ने मिल के जो मुझे बिल दिया है भाई, मैं रोने शुरू हो गया। एनीवेज अब कोई मेरे लिए दुआ कर ले, मैं इनके साथ करूँ क्या। मैंने तो फैसला कर लिया है कि पूरे साल के जितने भी वीडियोज़ हैं वो इन्हीं के साथ होंगे, ताकि मेरे पैसे वसूल हो जाएं। अगले 30 वीडियो इन्हीं के साथ होंगे। अब देखिएगा बहुत बड़ा बिल आ गया भाई, बहुत बड़ा भांड हो गया। कोई मेरी दुआ कर ले, मैं इनके साथ क्या करूं, कोई खरीद ले। मैं तो सोच रहा हूं इनको OLX पे लगा दूं, खुदा के लिए कोई ले ले। वैसे ही इनको देख के कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि जब मैं जाता हूं दफ्तर के बाहर मैं भूल जाता हूं ये यहाँ खड़े हैं, तो अगले दिन जब वापस दरवाज़ा खोलता हूं मुझे दिल का दौरा पड़ता है। ये डाकू लगते, मुझे लगता है डाकू आ गए मुझे मारने के लिए। मैं गौर से देखता हूँ तो अच्छा देखता हूँ ये तो यूट्यूबर ही हैं। तो एनीवेज भाई खुदा के लिए कोई है, इसको किसी को खरीदना है तो भाई खरीद ले। मैं कभी कभी तो इनको पलट के खिड़की की तरफ कर लेता हूँ, तो उस वक्त फिर पड़ोसी का कंप्लेन आ जाता है कि भाई ये कौन मुझे देख रहा है। मैं इनको समझाता हूँ, भाई ये जुनेद अकरम का पैनाफ्लेक्स आपको देख रहा है, आपको चाहिए तो आप खरीद लें प्लीज़, मैं आपको डिस्काउंट पर दे दूंगा। वो कहते हैं भाई नहीं चाहिए। मैं फिर कहता हूँ भाई चारों ले लो और डिस्काउंट पर दे दूँ। कहते हैं भाई नहीं चाहिए और अपनी गाड़ी हटा लो। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी तो नहीं हटाई। भाई जुनेद अकरम ताबिश तुम अपने ही ले लो यार, जुनेद अकरम तुम अपना खरीद के अपने घर में ही लगा लो यार, मैं डिस्काउंट भी तुम्हें 10,000 रुपये का दे दूंगा। बहुत बड़ा बिल आ गया है भाई, कोई मिले दुआ कर ले, क्या करूँ उनके साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सॉरी।